नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। आप देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है पूछता है इंडिया, उसमें भारत के तमाम दूर दूर से बच्चे सवाल पूछते हैं। ये सवाल आर भूसा जी का अहमदाबाद से आया है, बहुत सा अच्छा सवाल है, सिंपल है, आप भी इंजॉय कीजिए। इनके पास सेल हैं एक नहीं दो नहीं 45 इनके पास ऐसे सेल हैं जिसका EMF इनको नहीं मालूम है, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है वो मालूम है 0.5 ओम का। ऐसे इनके पास एक नहीं 45 है। अब वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या क्या इन 45 को इस तरीके से अरेंज किया। इन्होंने कहा कि सर हमने जो है रो बना ली। कितनी बना ली? रो आप जानते ही हैं, रो क्या होती है बेटा? हॉरिजेंटल। कोई भी मैट्रिक्स है तो जो हॉरिजेंटल लाइंस में अरेंजमेंट है वो रो कहलाता है। तो इन्होंने कहा कि सर हमने एक नहीं दो नहीं, हमने एम रो बना ली, एक रो दो रो और ये एम रो, एम राइट। तो इन्होंने 45 इनके पास 45 इनके पास सेल थे और 45 सेल की इन्होंने रो और कॉलम में अरेंज कर लिया। तो रो इनके पास हो गई 1 2 3 4 5, एम आई राइट। और जो इनके पास कॉलम थे वो ये हो गए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, एन कॉलम। यानी कि इनके पास जो 45 सेल थे जिसका EMF नहीं मालूम था, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 था, इन्होंने रो और कॉलम में कर लिया। तो पहला पॉइंट तो बेटा क्लियर हो गया कि इनके पास कितने सेल होंगे। अगर हम एम रो एन कॉलम में कर दें तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि एम इंटू एन, यानी जितने हमारे पास रो में लगे हैं और जितने हमारे पास एन नंबर ऑफ सेल कॉलम में लगे हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो इनके पास 45 है वो आ जाएंगे। क्लियर? अब देखिए ये सब कितने के हैं बेटा, 0.5 ओम, 0.5 ओम, 0.5, ठीक। ये सब किसमें लगे बेटा? सीरीज में लगे, सीरीज में लगे ना। इंटरनल रेजिस्टेंस किसमें लगा हुआ है? देखो करंट बहेगी तो यूं ही बहेगी ना बेटा, तो ये आपके क्या हो रहे हैं, ये सब सीरीज में लगे हैं। तो इनका सीरीज में कितना कॉम्बिनेशन आ जाएगा? कह लगे सर एक से हैं, टोटल एन हमको मालूम नहीं, तो इसको प्लस इसको प्लस इसको इसको इसको, यानी टोटल एन टाइम हमको गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा इंटरनल जो रेजिस्टेंस है इस रो का वो हमारे पास आ जाएगा, यानी 0.5 N आ जाएगा। अरे दो होते तो 0.5 × 0.5 एक हो जाता, तीन होता डेढ़ हो जाता, N है तो N टाइम हो जाएगा। अब आपने कहा कि सर ऐसे तो हमारे पास इसका भी इतना हो जाएगा, हमने कहा हाँ, N इसका भी इतना हो जाएगा, हमने कहा हाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा? क्योंकि स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स है, ये 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 अब किसमें हो गए बेटा, ये सब सीरीज में निकाल लिया आपने, अब ये जो है फाइनली किसमें आ गए बेटा, पैरेलल हो गए। और आपको मालूम है कि अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान होता है, जो भी वैल्यू हो उसको जितने आपके पास कॉलम है यानी कितने बेटा एम, इससे डिवाइड कर दीजिए, बस आपका काम बन गया। तो आपके पास इस पूरे अरेंजमेंट यानी 45 सेल जिसको आपने रो और कॉलम में कन्वर्ट कर रखा है, उसका पूरे सिस्टम का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका ये सीरीज वाला डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, इतना आपको आता है क्योंकि आप आईटी तैयारी कर रहे हैं। अब असली फिजिक्स चालू होती है। इनका कहना था कि अगर यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दें, कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा है, 2.5 ओम का, तो इसमें बहने वाली करंट मैक्सिमम होगी, यानी मैक्सिमम पावर डिलीवर थ्योरम लगाना पड़ेगा। कह लगे कि इस पूरे अरेंजमेंट में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2.5 ओम का लगा देंगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। मैक्सिमम पावर डिलीवर थ्योरम क्या कहती है कि भाई साहब ऐसा तभी संभव है जब ये बराबर इसके होगा, यानी I मैक्सिमम कब फ्लो करेगी बेटा,
जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, बस काम बन गया। आपने कहा कि ये हमारे पास 2.5 का है, आर आपने निकाल लिया, एक इक्वेशन तो आपकी बनी गई थी कि कुल 45 थे, तो 45 गिन लो, 1, 2, 3 एन इधर हैं, एम इधर हैं, तो जाहिर सी बात है एम इंटू एन होंगे, एम प्लस एन नहीं होंगे भाई, जोड़ लो, 3 के अगर मान लीजिए 4 हैं तो 3, 3, 3 तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तब टोटल आएगा, ठीक, इतना आप समझते हैं, बस काम बन गया। इसकी वैल्यू आपने ये रख ली एन अपॉन एम के, इसको काट लिया, ये हो गया 5, यानी एन इजिकल टू 5 एम के। अब आप निकाल लेंगे आराम से, बिल्कुल अब तो काम बन गया। यहां रख दीजिए एन की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5 एम, ये हो गए 45, 5 नमा यानी एम स्क्वायर बराबर 9, तो एम बराबर कितने हो गए 3, यानी आपके पास 3 रो हैं। अरे भैया जब जब निकल ही आया एम बराबर 3 तो एन नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे। अब आप कहेंगे कि इसमें अगर ये 3 रख दें, एन ये है, टोटल कितना बेटा 45, तो एन निकल आया बेटा 3 × 3 = 15, तो आपके पास 15 तो आपने रो में लगा रखे हैं, सॉरी कॉलम में, 1, 2, 3 ऐसे 15 हैं, रो आपके पास कितनी है बेटा, रो आपके पास 1, 2, 3 है। इन्होंने पूछा था कि सर m प्लस n कितना होगा, अरे ये तो और आसान हो गया, देखो m कितना है बेटा 3 है, n कितना है बेटा 15 है, तो 15, 3, 18। तो ऐसे सवाल को ऐसे ही लगाते हैं, m इंटू n से आपको टोटल नंबर ऑफ सेल मिल जाते हैं। इस तरीके के काफी सवाल पूछे गए हैं, वो पूछे जा भी सकते हैं, और बाकी आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, मैक्सिमम पावर थ्योरम करेगी तो इससे निकाल लीजिएगा, वरना जो भी कंडीशन दी होगी फाइनली आपको इतना काम करना होगा उससे लगा लीजिएगा, और आपके कार्यक्रम बन जाएंगे, सवाल आने लगेंगे।